बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद किचन विद रुख। तो आज किचन विद रुख में बन रहा है बहुत ही मज़े के लड्डू, जो कि हम ड्राई फ्रूट से बनाएंगे और बहुत ही मज़े के बनाएंगे। और ये बहुत हेल्दी होते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए, जिस्म के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है ये। तो सर्दियों में तो ये ख़ास तौर पर बनाए जाते हैं, तो आज हम आपसे ये रेसिपी से शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास कुछ नट्स, जिनमें है मेरे पास काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट है। इसके अलावा मेरे पास अंजीर है, किशमिश है, खजूर है, और ये जो ली है मैंने खुबानी, खुबानी जो मैंने ली है वो हार्ड वाली ली है। आप नरम भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करना है, खटास वाला, तो मैंने इसलिए ये वाली हार्ड वाली ली है, क्योंकि ये खट्टी होती है, सॉफ्ट वाली मैंने नहीं ली। यहाँ पर है खोपरा, तकरीबन 3 चम्मच खोपरे के हैं, टेबल स्पून है, 3 टेबल स्पून मैं इसमें तिल ऐड करूँगी, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें खसखास ऐड करनी है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गोंद कतीरा ऐड करना है, जो कि मेरे पास पिसा हुआ है। आप चाहें तो आप साबुत भी इसको फ्राई कर सकते हैं और उसको पीस सकते हैं, मेरे पास पिसा हुआ है ऑलरेडी। तो आए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेना है देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं अवेल है तो आप कोई सा भी घी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप घी ही ऐड करिएगा, क्योंकि घी का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। यहाँ मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लूँगी। लो फ्लेम हमने रखनी है, ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो जले ना और अच्छे से रोस्ट हो जाए। जैसे ही इनमें क्रंच आएगा तो मैं इनको निकाल लूंगी। तो इनमें क्रंच आ चुका है, तो मैं अभी इसको डिश आउट करूंगी और हम इन सब चीज़ों को कर लेंगे चॉपर में चॉप, ताकि ये बारीक बारीक चॉप हो जाए। तो नट्स हमने डिश आउट कर लिए हैं। यहाँ पे फिर से मैं 1 चम्मच लूंगी घी का। यहाँ पे मैं गोंद कतीरा ऐड कर रही हूँ, और साथ में मैं इसके खसखास ऐड करूँगी, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इनको भून लेना है, जलाना नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको हमें सौते ही करना है। हमने इनको मुसलसल चलाते रहना है, ताकि ये जले ना, अगर हम इनको चलाएंगे नहीं तो ये जल जाएगा। इसलिए आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि भूनने के दौरान हमने इनको मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें काफ़ी बारीक हैं, तो ये बहुत जल्द जल जाएंगी। फ्लेम हमने लो रखी हुई है, बहुत एहतियात के साथ हमने इनको 1 मिनट के लिए ही फ्राई करना है, फिर हम इनको निकाल लेते हैं। अभी यहाँ तेल को मैं बग़ैर ऑयल डाले फ्राई करूँगी, हमने इसमें ऑयल नहीं ऐड करना है, इसको रोस्ट कर लेंगे हम ऐसे ड्राई ही। वन टीस्पून के बराबर फिर से हमने ऑयल ले लेना है, घी यानी कि देसी घी। इसमें हम जो हमारे नट्स हैं इनको फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के बाद इनको सौते ही करना है। सौते करने के बाद हमने इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है, बारीक सा हमने इसका पेस्ट तैयार करना है। हमने तकरीबन इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, जलाना नहीं है। आप इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि बहुत लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो हमने इनको चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं कि बहुत बारीक नहीं है, इनमें हमने जो चंक्स हैं वो रहने दिए हैं, क्योंकि ये अच्छे लगते हैं। बहुत पिसाई हमने इसकी ज़्यादा नहीं की है। यहाँ पर हम सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जो है मेरे पास नारियल का बुरादा, जो कि मैंने फ्राई नहीं किया है, ऐसे ही लिया है, ऐड कर देंगे। तिल भी इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़े से हम बचा लेंगे बाद के लिए, आपको बताएंगे इसका क्या करना है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट तैयार किया है, खजूर का, मेवे का, खुबानी का, अंजीर का, तो ये इसमें ऐड कर देते हैं। अभी हम इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर अच्छे से।
अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया इसको सारे मेजे को। अभी हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे हम लड्डू तैयार करेंगे। आपने जितना लड्डू की रखनी है मोटाई, उतनी आपने अमेजा ले लेना है और इसको अच्छे से रोल कर लेना है। अच्छे से हम रोल करेंगे, उसके बाद हमने तेल में डिप करना है। हल्के हल्के से हम इसको तेल लगाएंगे और फिर उसके बाद हमने इसको ड्राई फ्रूट जो हमने बचा के रखा है वो लगा देंगे। तो हमने ये लड्डू एक बना लिया है, इसी तरह से हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे, आपको दिखाएंगे। तो लड्डू हमने तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत यमी से लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।